हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के केबल का वर्णन कर रहे थे, जिसमें हम लोग पीवीसी केबल तक के बारे में, इसका इंसुलेशन किस तरह से वायरिंग की जाती है, सुरक्षा कवरिंग क्या है, उपयोग और विशेषताएं के बारे में पढ़े। अब हम जानेंगे वेदर प्रूफ केबल के बारे में। क्या पड़ेगा? वेदर प्रूफ रबर। ये आपका हो जाएगा चौथा पॉइंट। वेदर प्रूफ ये होता है VIR वायरिंग का प्रकार। किस प्रकार होगा? वल्कनाइज इंडिया रबर। इसमें एम्पायर टेप का वाटर प्रूफ, ये कह रहा है एम्पायर टेप का वाटर प्रूफ कवरिंग, नमी रोधक कॉटन ड्रेपिंग, नमी रोधक कॉटन ड्रेपिंग। इसमें एम्पायर टेप का वादर वाटर प्रूफ नमी रोधक प्रोटन ब्रेकिंग की जाती है। एम्पायर टेप क्या होता है? जिस तरह से हम लोग एमसील देखे है ना, मिक्स किया जाता है और उसे जितना लंबा करेंगे उतना लंबा होते जाता है, उसी तरह का एक एम्पायर टेप होता है जो वाटर प्रूफ होता है। तो क्या कीजिएगा कि मिक्स जितना लंबा कीजिएगा उतना लंबा हो जाएगा, उसके बाद फिर वायर के ऊपर लपेट दी जाती है, उसमें कभी भी पानी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। और ब्रेंडिंग मतलब ऊपर से चढ़ा देना। इसका
उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग नमी वाले स्थानों पर इसका प्रयोग नमी वाले स्थानों पर क्या करें, इसका प्रयोग नमी वाले स्थानों पर थोड़ी दूरी की सर्विस लाइन के लिए होता है, थोड़ी दूरी की सर्विस लाइन के लिए क्या है, इसका थोड़ी दूरी के लिए सर्विस लाइन के लिए किया जाए कि 100 मीटर 200 मीटर तक के लिए जो वायरिंग केबल हम बिछाएंगे या घर में करेंगे उसके लिए ये की जाती है। इसकी विशेषता क्या होगी कि इंसुलेशन होगा, इंसुलेशन होगा, वोल्टेज ग्रेडिंग होगी, क्या है, इंसुलेशन होगा, वोल्टेज ग्रेडिंग होगी, कोर की संख्या होगा, एक मीटर होगा और साइज, किस प्रकार की साइज में उपयोग करना चाहते हैं आप। इसमें क्या होगा, वी आर क्या है, वी आर टेंट, वी आर टेंट ब्रेडिड वेदर रोस्टी ब्रेडिड वेदर रजिस्ट्री रजिस्ट्री कंपाउंड क्या होगा, ये 250 वोल्ट से 600 वोल्ट या सहन करने की क्षमता होगी। और यह सिंगल या ट्विन होगा, ये हमेशा एल्यूमिनियम का होगा, साइज में क्या होगा 1.5 स्क्वायर mm से 25 स्क्वायर mm तक का ये साइज में आएगा। हम देखें किसका, वेदर प्रूफ केबल का, इसमें इंसुलेशन वायरिंग किस तरह का होगा, VIR होगा, वल्कनाइज्ड इंडिया रबर, सुरक्षा कवरिंग किसका होगा, तो एम्पायर टेप, जो एम्पायर टेप के बारे में अभी आप बताएं कि वो एम सील की जैसा होगा, वो काफी जितना दूरी तक यानी कम से कम 1 फीट तक उसे लंबा किया जा सकता है और उसे वायर के चारों तरफ लपेट दी जाती है। और इसका नमी वाला स्थान पर यानी कि जहाँ पर पानी वगैरह का ज्यादा यूज होता होगा वहां पर इसे सर्विस लाइन में थोड़ी दूरी के लिए उपयोग करते हैं। इंसुलेशन में क्या होगा कि VI टेंड वेंडिंग वेदर रेजिस्टेंस कंपाउंड का ये बना होगा। और वोल्टेज रीडिंग क्या होगा, 250 से 600 वोल्ट तक, कोर की संख्या क्या होगा, सिंगल या ट्विन यानी कि सिंगल फेज होगा या डबल होगा, मेटल क्या होगा एल्यूमिनियम का, साइज जो होगा वो 1.5 स्क्वायर mm से 25 स्क्वायर mm तक का साइज में आता है।
पढ़ेंगे कॉटन कवर्ड फ्लेक्सिबल कोड, केवल का नाम है कॉटन कवर्ड, कॉटन कवर्ड फ्लेक्सिबल बोर्ड, यानी कॉटन का कवर्ड किया हुआ केवल जो फ्लेक्सिबल होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। ये किसका होगा इंसुलेशन? VIR का होगा, यानी वल्कनाइट इंडिया रबर। IR होगा इलेक्ट्रिक हीटर सोल्डरिंग आयरन, कॉटन बेडिंग होगी इसका, इसका उपयोग कहाँ होगा? तो इलेक्ट्रिक हीटर में, फिर है आपका रेफ्रिजरेटर, कूलर, सोल्डिंग आयरन, आदि में प्रयोग करते हैं। इसमें भी इंसुलेशन क्या होगा? वोल्टेज ग्रेडिंग, पोर्ट की संख्या, मीटर साइज, इंसुलेशन कैसा होगा? तो वल्कनाइज्ड इंडिया रबर का होगा, कैसे होगा? VIR, वोल्टेज ग्रेडिंग कितना होगा? तो 250 वोल्ट, और पोर्ट की संख्या क्या होगा? 3, यानी डबल पेज होगा। अमीटर क्या होगा? कॉपर या एल्युमिनियम का, कॉपर या एल्युमिनियम, और साइज क्या होगा इसका? 0.45 स्क्वायर mm से 4 स्क्वायर mm तक। इसका देखिए इंसुलेशन में क्या है, वल्कनाइज्ड इंडिया रबर का इंसुलेशन होगा। वोल्टेज ग्रेडिंग कितना तक ये पावर लेगा? 250 वोल्ट तक। और कोर की संख्या कितनी होगी, यानी कि डबल कोर वाला ये वायर होगा, और मेटल जो होगा ये कॉपर का या एल्युमिनियम का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और साइज क्या होगा? 0.5 स्क्वायर mm से 4 स्क्वायर mm तक का वायर का इस्तेमाल करेंगे। ये तो हम लोग जाने कि इम्पोर्टेंस केवल का, इंसुलेशन केवल, सुरक्षा कवरिंग और उपयोग और विशेषताएं क्या क्या होती है ये जाने। अब हम जानेंगे कि एल्युमिनियम एवं तांबे के पीवीसी तथा बीआर केबल की विद्युत धारा का वहन की शक्ति कितनी होती है, कितना क्षमता तक यह वोल्टेज को कवर कर सकता है।
क्या है, एल्यूमिनियम एवं तांबे के पीवीसी या वीआईआर केवल केवल के विद्युत वाहन करने की क्षमता। हम जानेंगे कि किस किस पीवीसी केबल बनाए इंडिया रबर या जो केबल होगा उसकी वोल्टेज या एम्पियर या कितना ओम तक का धारा को सह सकता है, इसके बारे में जानेंगे। ये है क्रम संख्या, दूसरा है एल्युमिनियम तारों के संख्या, या एक तार का व्यास मिलीमीटर, एक तार का व्यास मिलीमीटर। दूसरा है तांबे की तारों की संख्या, या तार के साड़ी। यह अधिकतम विद्युत धारा वहन करने की क्षमता है। यहाँ एक टेबल बना लिया, पहला क्या था क्रम संख्या सीरियल नंबर से हम यहाँ पर देंगे कि और एल्युमिनियम के तारों की संख्या और इसका व्यास मिलीमीटर में कितना होगा एक तार का, और दूसरा मिलेंगे तांबे की तार की संख्या और तार के साथ में कितना स्टैंडर्ड वायर गेज में होना चाहिए, और जब वायर गेज में जब लेंगे तो उसकी अधिकतम यानी कि मैक्सिमम कितना वोल्टेज या एम्पियर या ओम की धारा को वहन कर सकती है, उसकी क्षमता को जानेंगे। पहला पॉइंट कहते हैं तो तार की संख्या एक होगा और यह 1.40 मिमी का व्यास के होगा, और तार इसमें भी एक एल्युमिनियम का तार हम लेंगे और उसका स्टैंडर्ड वायर गेज कितना होगा 18 स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या है स्टैंडर्ड वायर गेज? स्टैंडर्ड वायर गेज और इसका कितना होगा, V I R R K
यानी कि ये दोनों में देखेंगे कि वी आई आर का अगर होगा वायर तो उसकी कितनी होगी कैपेसिटी, ये सब किस में है एम्पियर में। एम्पियर में कितना होगा 3 और 4। कितना क्षमता होगा, एक एल्युमिनियम का तार होगा तो उसका व्यास कितना होगा 1.40 और तार की संख्या एक होगा तो कितना अधिकतम हो सकता है 18 स्टैंडर्ड वायर गेज का यह तार का व्यास, तार की स्टैंडर्ड वायर गेज में होगा और विद्युत वहन करने की क्षमता होगा वल्केनाइज्ड इंडिया रबर का इंसुलेशन वाला तो 3 एम्पियर तक का यह वोल्टेज वहन सहन कर सकता है और ये 14 एम्पियर तक का ये धारा को सहन कर सकता है। अब दूसरा में है एक तार होगा और जब इसका व्यास 1.80 होगी तो यह 3 तार और 22 स्टैंडर्ड वायर गेज का ये होगा और इसमें कितना होगा 5 एम्पियर तक की सहने की शक्ति होगी और 15 एम्पियर तक पीवीसी में सहने की शक्ति होगी। और ये भी हम सेम लेते हैं तीसरा में 1.180 और इसमें तार की संख्या लिख देते हैं 3 तार होंगे तांबे के इसमें कितना होगा 20 स्टैंडर्ड वायर गेज और इसकी जो क्षमता होगी वो 10 एम्पियर की होगी और वीआईआर में और पीवीसी में कितना होगा 18 एम्पियर। समझ रहे हैं जब तार की संख्या एक होगा एल्युमिनियम में और इसका व्यास 1.80 होगी तो इसमें तांबे की तार की संख्या कितना हो जाएगा 3 और स्टैंडर्ड वायर गेज जो थिकनेस होगी वो 20 स्टैंडर्ड वायर गेज का होगा। ये क्या है तार की संख्या, ये स्टैंडर्ड वायर गेज एसडब्ल्यूजी, ये क्या है केवल ये स्टैंडर्ड वायर गेज स्टैंडर्ड वायर गेज वो तो बाकी एम्पियर में है, ये सब क्या चीज में है एम्पियर में। ये सभी क्या चीज में धारा को नापेगा एम्पियर में, एम्पियर में दिया हुआ है। अब अगर चौथा पॉइंट में देख रहे हैं कि अगर एक एल्युमिनियम का तार होगा और उसका व्यास 2.24 mm की होगी तो क्या होगा, इसमें तांबे की तार की संख्या हम लेते हैं 7/22 यानी कि 7 को अगर तार होगा इसका 22 स्टैंडर्ड वायर गेज का क्या होगा थिकनेस होगी और 15 एम्पियर होगा और इसमें कितना होगा 22 एम्पियर। जब वी आई आर वायर होगा तो इसमें कितना एम्पियर तक की क्षमता होगी सहने की, तो 15 एम्पियर और इसमें कितना हो जाएगा 25 एम्पियर इसमें होगा। अब अगर एक एल्युमिनियम कोर का तार होगा तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 2.80 mm का व्यास होगा
इसमें कितना हो जाएगा, 7/20 स्टैंडर्ड वायर गेज। और इसमें VIR और PVC में कितना एम्पियर वहन करने की शक्ति होगी, तो इसमें 24 एम्पियर रहेगा और इसमें 32 एम्पियर। अब अगला देखेंगे कि अगर एक एल्यूमिनियम का वायर होगा और 3.5 mm व्यास वाला जब यह तार होगा तो इसकी कितना लेंगे हम, सात बाय 18 स्टैंडर्ड वायर गेज का ये थिकनेस होगी। और इसमें कितना धारा वहन होगा, तो 31 एम्पियर और 43 एम्पियर। इसमें कितना होगा, 43 एम्पियर। जब कितना होगा, तार की संख्या कितनी होगी, तांबे की 7। अब हम सातवां देखेंगे कि अगर 7 तार लेते हैं, एल्यूमिनियम के 7 तार की संख्या होगी, तो इसका व्यास कितना होगा, 1.70 mm का व्यास होगा। और इसमें केबल की तार की संख्या कितनी हो जाएगी, 17 स्टैंडर्ड वायर गेज। और ये कितना एम्पियर लेगा, तो 37 एम्पियर और 58 एम्पियर। अब सबसे लास्ट देख रहे हैं, अगर 7 एल्यूमिनियम के वायर होंगे और इसकी कितनी थिकनेस हो जाएगी, 2.24 mm। तो इसमें कितना हो जाएगा, 7/16 स्ट्रेंजर वायर गेज। इसमें कितना धारा एम्पियर इसे सहन करने की क्षमता होगी, तो 46 एम्पियर से 74 एम्पियर। तो हम लोग फिर से एक बार इसको रिकॉल करते हैं कि जब एल्यूमिनियम की तार की संख्या 1 होगी तो इसकी व्यास कितना होना चाहिए, 1.4 mm का ये व्यास होगा। और तांबे की तार अगर 1 लेते हैं तो यह कितना स्टैंडर्ड वायर गेज का होना चाहिए, 18 स्टैंडर्ड वायर गेज का। और इसमें कितना एम्पियर VIR वल्कनाइज्ड इंडिया रबर का अगर इंसुलेशन वाला होगा तो 3 एम्पियर तक की सहने की शक्ति होगी, और इसमें 14 एम्पियर तक की वोल्टेज सहने की शक्ति होगी। दूसरा है कि अगर 1 एम्पियर अगर 1 एल्यूमिनियम का तार लेते हैं तो 1.80 mm का व्यास वाला ये तार होगा, और अगर इसमें 3 कॉपर का तार लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 22 स्टैंडर्ड वायर गेज का थिकनेस वाला तार होगा, यानी कि इसकी मोटाई होगी। और इसमें कितना एम्पियर धारा सहने की शक्ति होगी VIR में, तो 5 एम्पियर, और PVC में 15 एम्पियर तक की धारा को सहने की शक्ति होगी। अगर हम 1 तार लेते हैं एल्यूमिनियम का तो इसकी सहन शक्ति कितना mm हो जाएगा, 1.80 mm का व्यास का ये तार होगा, मोटाई होगी। और 3 कॉपर तार लेते हैं तो क्या होगा, 20 स्टैंडर्ड वायर गेज की मोटाई वाला तार होगा। और इसमें कितना एम्पियर सहने की शक्ति होगी, तो 10 एम्पियर और 18 एम्पियर PVC वायर में। इसी तरह से ये लास्ट में पहुंचते हैं, तो 7 एल्यूमिनियम का वायर अगर लेते हैं तो इसका कितना हो जाएगा व्यास, 2.24 mm। और अगर 7 हम लेते हैं कॉपर तार तो यह कितना हो जाएगा, 16 स्टैंडर्ड वायर गेज का ये इसकी मोटाई होगी।
और मैक्सिमम कितना ले सकता है वी आई आर वायर का अगर होगा तो 46 एम्पियर और 74 एम्पियर तक का ये वोल्टेज सहन करेगा, यानी कि हाईएस्ट कितना होगा 16 स्टैंडर्ड वायर गेज तक के तार को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और 74 एम्पियर तक का पीवीसी वायर क्षमता करने की शक्ति होती है वोल्टेज को। यहाँ तक समझ गए हैं। अब हम जानेंगे केविन धारा का वहन करने का क्षमता का निर्धारण कैसे की जाती है। ये समझ गए होंगे, अब इसे रद्द कर देते हैं। केवल ये अब न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। केवल के धारा वहन करने वहन करने के क्षमता का निर्धारण इस तरह से जो हम अभी पढ़ाए थे इससे पहले तालिका देकर, तो उसका निर्धारण कैसे की जाती है। तो कह रहा है कि केबल का सामान्य धारा वहन करने की क्षमता केबल का सामान्य धारा वहन करने की क्षमता 1.5 स्क्वायर एमएम और तांबे के केबल के लिए समान है। तांबे के केबल के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता धारा वहन क्षमता 16 एम्पियर होती है। 16 एम्पियर होती है। केबल की धारा क्षमता केबल के धारा क्षमता धारा क्षमता जब तक जब उसका रक्षण रक्षण रुक्ष आंतरिक धारा रक्षण में कहने का तात्पर्य है रक्षण का, यानी कि विभवांतर जब अंदर से धारा जब विभवांतर के साथ बहेगी तो विभव उसमें एक साथ प,
प्रवाहित हो रही है। तो जाने की धारा की क्षमता को कैसे निकालते हैं? धारा की क्षमता बराबर होता है समान क्षमता उन्हें निर्धारक गुना समान क्षमता गुने निर्धारित गुणांक समान क्षमता गुने निर्धारित गुणांक। बराबर क्या होगा? निर्धारित गुणांक कितना हो जाएगा? इसका मान 0.81 कितना होता है? 0.81। तो क्या हो जाएगा? 16 × 0.81 गुना करने पर कितना आ जाएगा? तो 13 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 13 एम्पियर। ये आपका इस तरह से एम्पियर निकाल सकते हैं जब समान क्षमता दी हुई हो और निर्धारित गुणांक दिया हुआ हो। तो समान क्षमता कितना है? 16 और निर्धारित गुणांक है जो 0.81 है, तो कितना एम्पियर धारा बहेगी? तो 13 एम्पियर। अगर उसी के बल में धारा क्षमता जब तक उसके निकट आंतरिक धारा आंतरिक धारा रक्षण से युक्त किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका? धारा क्षमता तब इसका धारा क्षमता बराबर हो जाएगा समान क्षमता गुने निर्धारण गुणांक। तब क्या हो जाएगा इसकी? तब निर्धारण गुणांक कितना हो जाएगा? 1.23 विभवांतर होगा। और तब क्या हो जाएगा? 16 × 1.23 बराबर कितना एम्पियर आ जाएगा? 1.7 एम्पियर। यानी कि राउंड फिगर में हम 5 से जैसे ऊपर जाएगा तो 20 एम्पियर हम ले लेंगे। इस तरह से निर्धारण किया जाता है।
समझ गए होंगे।